ए हाय, हाउ यू। आई एम योर फ्रेंड आरजे, वंस अगेन विद यू विद द न्यू सेशन ऑफ वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज के इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा एक मैप दिखाता हूँ। ये साउथ अमेरिका में अमेरिका का मैप है, उसमें एक बार आप प्लीज़ देखने की कोशिश करिए कि यहाँ पर हमारे पास में ये वेनेजुएला है। वेनेजुएला की इधर जस्ट साइड में ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको, इधर से यहाँ से स्टार्ट होता है गुयाना। गुयाना की अगर मैं बात करने की कोशिश करता हूँ तो ये आपके पास में सुरीनाम एक जगह है, एक जगह उसके साथ साथ वेनेजुएला एक और आपके पास में अलग देश हो गया, सुरीनाम अलग देश हो गया, और इन दोनों के बीच में आपके पास में कौन है, गुयाना है। ठीक है, तो एक तरीके से वो सैंडविच का काम करता है, उनके बीच में मिड में कहीं पर आता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास कहीं ना कहीं काम आने वाली है। इसमें आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करके चलना ताकि हमें आगे की जो चीज़ें हैं उनको समझने में हेल्प मिल जाएगी। चलिएगा शुरू करें। आज का अपने पास में जो आर्टिकल था वो था नीडलेस डाइवर्जन। नीडलेस मतलब अब नीड, नीड की हमारे पास में बात हो रही है, कोई चीज़ की हमें क्या है, रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। ठीक है, कोई चीज़ हमें क्या है, रिक्वायर है, कोई चीज़ की हमें क्या है बेटा, आवश्यकता है। अब उसमें आपने क्या लगा दिया है, लेस। आपके पास में अगर कहीं पर ये वर्ड लेस अगर लग जाता है, ठीक है, अगर लेस वर्ड कहीं पर लग जाता है तो इसका ये मतलब होता है कि उस चीज़ की या तो कहीं ना कहीं क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि उसमें कोई डिक्रीजमेंट देखने को मिलता है, या फिर कभी कभी उसका जो मीनिंग हम लोग कन्वे करते हैं वो क्या होता है, विदाउट। ठीक है, यानी कि उस चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं था। ठीक है, नीडलेस, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बिना मतलब के, बिना किसी आवश्यकता के वो डाइवर्जन किया जा रहा है, वहाँ से चीज़ों को डाइल्यूट किया जा रहा है, अलग हटाया जा रहा है, या फिर ध्यान वहाँ से हटाया जा रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। अब किस बारे में बात हो रही है, अब ज़रा समझें। वेनेजुएला शुड नॉट एस्केलेट। एस्केलेट की बात करें, बहुत सिंपल सा वर्ड है, बहुत बार यूज़ भी आप लोग करते हो, लेकिन अगर नहीं करते हो तो अब से करना, क्योंकि सिंपल सा वर्ड है, आपको इसको डेली लाइफ में यूज़ करना पड़ सकता है, और चाहो तो कर सकते हो। एस्केलेट जो वर्ड आपके पास में होता है, इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को आप क्या करते हो, पैस अप करते हो। ठीक है, उसमें थोड़ा सा पेस डालते हो, मतलब गति डालते हो उसमें। ठीक है, गहरा करना, ये पेस वर्ड आप जानते हो, पेस मेकर एक होता है, जिनके दिल की जो धड़कन होती है थोड़ी कम होती है तो उसको बढ़ाने के लिए उनके हार्ट के आसपास एक डिवाइस लगाया जाता है, उसको बोलते हैं पेस मेकर। ठीक है, तो पेस मेकर उस पर्टिकुलर पर्सन के हार्ट बीट को थोड़ा सा बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो एस्केलेट मतलब किसी चीज़ को तीव्र करना, उसको इंटेंसीफाई करते हो या फिर उसको इंक्रीज करते हो। ठीक है, अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें, जैसे कि यहाँ पर कोई कंपनी है, उस कंपनी की जो ग्रोथ है वो क्या है, बढ़ती जा रही है, पहले बड़ी, फिर थोड़ी सी कम हुई, लेकिन फिर वापस से और राइज कर दिया उसने, इस तरीके से बढ़ गई। एम्पलीफाई, हमने चीज़ों को क्या किया है, बूस्ट किया है। डीजे में जो भैया होते हैं, डीजे वाले बाबू, वो क्या करते हैं कि वो एम्पलीफायर लगाते हैं। एम्पलीफायर क्या करता है, जो आवाज़ आ रही होती है उसको बूम 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 और बूम थोड़ा सा उसको बूस्ट करवा देते हैं। ठीक है, हाइटन करवा देते हैं, एग्रेवेट कराते हैं, बूस्ट कराते हैं, जैसे बूस्ट करवाते हैं। रेज, एक्सपेंड, ऑगमेंट, ग्रो, सोर, ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में जो है वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को इंक्रीज करने के लिए या फिर इंटेंसिफाई करने के लिए हम लोग यूज़ लेते हैं। ठीक है बेटा, ऑपोजिट अगर हम लोग देखना चाहें तो आप किसी चीज़ को क्या करते हो, डिक्रीज कर रहे हो, अगर उसको अप कर रहे हो दूसरा क्या होगा, ऑपोजिट उसका डाउन कर रहे हो देखिए तरफ। ठीक है, तो उसको क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, डिमिनिश कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, या फिर लोअर करते जा रहे हो, डी एस्केलेट। अगर एग्जैक्ट ऑपोजिट आपको चाहिए तो डी एस्केलेट हम लोग वहां पर बात करेंगे। ठीक है, इम, इन, अर, अन, ऐसे जो वर्ड आपके पास में, उसके अलावा आपके पास में डी वर्ड भी ऐसा है जो ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करता है बेटा। ठीक है, मिनिमाइज आप किसी चीज को कर रहे हो, क्वेल कर रहे हो, क्वेल मतलब ऐसे धीरे 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 रेंगता, ऐसे देखो कोई वो कीड़ा मकोड़ा कुछ ऐसा है, वो धीरे 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 चल रहा है, स्नेल की तरह, घोंगे की तरह बिल्कुल चलता है, स्नेल की तरह धीरे 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 चलता है ना, एक तो होता है ऐसा जल्दी जल्दी चलेगा, एक होता है बिल्कुल ठीक ऐसे धीरे धीरे अगर वो चल रहा है तो उस कंडीशन को वहाँ पर बोलते हैं कि वो क्वेल हो रहा है, एलिवेट हो रहा है वहाँ पर बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास में छोटा सा बात था। चलिए आगे बढ़े हम लोग, और तो वेनेजुएला शुड नॉट एस्केलेट, उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, इस चीज़ को आगे नहीं लेके जाना चाहिए, इस सिचुएशन को और ज़्यादा इंटेंसीफाई नहीं करना चाहिए, जो कि टेरिटोरियल जो डिस्प्यूट उनका चल रहा है उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी आ जाए, उससे और दिक्कत बढ़ जाए, विद गुयाना। किसकी बात कर रहे हैं, गुयाना की बात कर रहे हैं। अब इस
आर्टिकल पे चलने से पहले हम एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं इस क्रोनोलॉजी को कि वेनेजुएला और गुयाना दो हमारे पास में कंट्रीज़ हैं जो दोनों के दोनों ही साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। इस कॉन्टिनेंट में हम लोग देखने की कोशिश करें तो दोनों के दोनों साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आपके पास में है, और वहाँ पर साउथ अमेरिका में दोनों नेबरिंग कंट्री हैं। सबसे मेन चीज़ आपके पास में ये है, जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ होती है उनमें टेरिटरी को लेके, लैंड को लेके डिस्प्यूट होना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हम हमारे इंडिया में देखो तो पाकिस्तान के साथ में है, ठीक है, पाकिस्तान ने कुछ कर रखा है, चाइना ने कुछ कर रखा है, इस तरीके से सब जगह लैंड को लेके डिस्प्यूट हो ही रहे हैं। और इन सब में पीछे आप हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं हर जगह ये आपको देखने को मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि लगभग हर जगह तो इन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई थी, हर जगह से इन्होंने शोषण किया है लोगों का, और फिर उसके बाद में अब अगर हम लोग देखने की कोशिश करते तो हर चीज़ का जो मेन रीज़न, हर डिस्प्यूट का, मैं इस कह रहा हूँ कि इस वर्ल्ड में जितने भी ये लैंड डिस्प्यूट आपको देखने को मिल रहे हैं ना, उसका कहीं ना कहीं सारा रीज़न अगर मैं कहूँगा तो वो ये, इनको ये ब्लेम एक्सेप्ट भी करना चाहिए और करवाना पड़ेगा हम लोगों को। क्यों? क्योंकि इन्होंने वाकई में जो कुछ काम किए हैं वो तो बहुत बेकार, इतने से गंदे वायात और खुक्यात काम किए हैं इन्होंने, जिसको हम लोग सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो हर जगह रीजन आपको ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले कहां पर, ये रहा, ठीक है। तो वेनेजुएला की बात कर रहा हूं मैं सबसे पहले, वेनेजुएला क्या है। वेनेजुएला is one of the most highly urbanized मतलब जिनमें क्या हो रखा है, शहरीकरण हो रखा है, यानी कि इनकी जो mostly जो इनकी population है वो शहरों में रहती है, ठीक है। highly urbanized countries in Latin America, it has some of the world's largest proven oil deposits, इनके पास में बहुत ज़्यादा oil deposit है। हम लोग कह सकते हैं कि oil rich country अगर कोई है तो वो Venezuela भी उनमें अपना एक नाम बनाए हुए है, ठीक है, as well as huge quantities of coal, और साथ में जब normal सी बात है कि oil निकल रहा है तो फिर coal तो निकलना बनता भी है, क्योंकि दोनों एक साथ ही कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आयरन और साथ में आयरन भी वहाँ पर निकल रहा है, bauxite एंड गोल्ड, और साथ के साथ ही बॉक्साइट और गोल्ड भी है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बताऊं, अभी इस प्रेजेंट टाइम में हम लोग देखना चाहें तो वेनेजुएला की जो कंडीशन है इकोनॉमी की वो इतनी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर दिक्कत है। अगर आपको एक नॉर्मल सब्जी का पैकेट भी या कुछ भी दूध का पैकेट खरीदना जाना है तो कट्टे भर के पैसे लेके जाना पड़ता है। वहाँ पर जो इन्फ्लेशन है इतना इस हद तक पहुँच चुका था, जब कोविड का टाइम था तो तब तक वो कंट्री ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गया था, मैं वैक फैक्ट बता रहा हूँ इस बात को लेके, अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो ऑलमोस्ट उसने कोलैप्स कर लिया था वहाँ पर। वहाँ की जो करेंसी उसकी वैल्यू इतनी गिर गई है जिसकी हम लोग सोच भी नहीं सकते। इट हैज़ बीन वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ ऑयल, मतलब ये ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बट द कंट्री एक्सपीरियंस्ड पुअर इकोनॉमिक मैनेजमेंट, वहाँ पर इकोनॉमी को मैनेज किसी ने किया ही नहीं है, हर कोई बस सर्विस प्रोवाइड कराता जा रहा है। इन द अर्ली डेकेड्स ऑफ द 21st सेंचुरी, ठीक है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ह्यूगो चावेस, ये असली जो प्रॉब्लम शुरुआत हुई, उसकी शुरुआत जो हुई थी वो करने वाले यही थे, और इनके बाद में अभी और कौन है, ठीक है, निकोलस मदुरो की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो ये तो अभी प्रेजेंट में है, ठीक है, यह भी प्रेजेंट में है, अपनी वहाँ के जो प्रेसिडेंट है भी प्रेजेंट में है, ठीक है। हु डाइड इन 2013 स्टाइल्स हिमसेल्फ एज अ चैंपियन ऑफ द पुअर ड्यूरिंग हिज 14 ईयर्स इन ऑफिस, मतलब वहाँ पर 14 साल तक वो वहाँ पर वहाँ के प्रेसिडेंट बने रहे, पोरिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स और वेनेजुएलाज वेल्थ इनटू सोशल प्रोग्राम्स, जो वहाँ के सोशल प्रोग्राम्स थे उस सारी वेल्थ को उन्होंने उन सोशल प्रोग्राम्स के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। लो फ्री में ले जाओ, ये करो और वो करो। आपको एक वर्ड सुनने को मिला होगा फ्री बाइज, क्यों नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए हम लोगों को। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने इंडिया में भी करती हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट आ जाती है तो हम आपको लाइट फ्री में देंगे, पानी फ्री में देंगे, ये फ्री में देंगे, वो फ्री में देंगे। लेकिन आप समझो, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं कंट्री की ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं। आपको उन फ्री बाइज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और एटलीस्ट उस पार्टी को तो नहीं जिताना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखें इन चीज़ों को, फ्री बाइज से बचें, क्योंकि ये नुकसान आपके खुद के देश के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होने वाला है, ठीक है। ये जो दिक्कत है, ये जो आपके पास फ्री वाइज जो है, ये कहीं ना कहीं आगे जाके आपके इन द नियर फ्यूचर आपको परेशान ही करेंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है बेटा, ध्यान रखें। पुअर ड्यूरिंग हिज 14 ईयर्स इन ऑफिस पोरिंग
बस उड़ेलते रहे, वो ढोलते रहे बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ वेनेजुएलाज ऑयल वेल्थ इनटू सोशल प्रोग्राम। सोशल प्रोग्राम बहुत सारे चलाए थे उन्होंने, ठीक है, वेलफेयर के लिए, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए चलाए थे। सोच अच्छी थी, लेकिन हर चीज़ में मैनेजमेंट होता है, ठीक है। आप ये तो देखो कि आपके पास में बचेगा कि नहीं बचेगा। उसके बाद में उनके पास में एक कंडीशन ऐसी आ गई थी कि वो अपनी गवर्नमेंट को रन भी नहीं कर सकते थे, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे उनके पैसे भी या सैलरी भी पे नहीं कर पा रहे थे, वो ऐसी कंडीशन आ गई थी। तो ऐसा सोशल प्रोग्राम किस काम का वहाँ पर, ठीक है। तो द गवर्नमेंट ऑफ हिज सक्सेसर निकोलस मदुरो, अब उनके जो सक्सेसर हैं यानी कि आगे जो आने वाले हैं उनकी हम लोग बात करें, निकोलस मदुरो हैज़ हेल्प टू स्ट्रगल विद प्लमेटिंग का मतलब होता है उन्होंने क्या किया है वहाँ पर, एक ड्रॉप किया है, कम किया है ऑयल prices and an economic and political crisis that has left Venezuela in a state of near collapse. मतलब ऐसी कंडीशन में आ गई थी जिससे कि ऑलमोस्ट कोलेप्स हो जाए, ठीक है। द कंट्री स्ट्रगल्स विद रैम्पेंट इन्फ्लेशन, बहुत तेजी से जो राइज हुआ, गुड्स मतलब सामान वस्तुएं उनकी शॉर्टेजेस होगी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड क्राइम, और साथ के साथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्राइम भी अपने आप में राइज होगा। जब देखो ये साइमल्टेनियस वे में चलेंगी, जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। 7 मिलियन वेनेजुएलियंस, ये वहाँ की जो लोग बाग हैं उनकी बात हो रही, हैव फ्लेड अब्रोड टू नेबरिंग स्टेट्स। और क्या हुआ, इसका रीज़न क्या हुआ कि इसकी वजह से जो 7 मिलियन वेनेजुएला के जो निवासी थे वो दूसरे देश में चले गए, वहाँ पर शरण ले लिया, वहाँ पर जाके अपने एम्प्लॉयमेंट को ढूंढने लगे। ये वहाँ का एक थोड़ा सा टाइमलाइन मैं आपको समझा रहा हूँ। द कंट्री इज इन्वॉल्व्ड इन अ लॉन्ग रनिंग बॉर्डर डिस्प्यूट विद नेबरिंग गुयाना, जो आज का आर्टिकल हम लोग पढ़ने वाले बेटा वो इसी के बारे में है। द कंट्री इज इन्वॉल्व्ड, इनकी अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें, इन लॉन्ग रनिंग बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है, 1966 से चला आ रहा है, ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट विद नेबरिंग गुयाना ओवर एस्क्यूबो, ठीक है। देयर इज अ वर्ड एस्क्यूबो, आपको इसको भी ध्यान रखना, एस्क्यूबो एक तरीका, ये वहां पर एक रिवर है, ठीक है, अ डिस्प्यूटेड ऑयल रिच टेरिटरी। और दिक्कत क्या हो रही है, दोनों ही इसको क्लेम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उस जगह ऑयल है, वहां पर माइंस बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं, ठीक है, मिनरल्स निकल रहे हैं अच्छे अच्छे। अ डिस्प्यूटेड ऑयल रिच टेरिटरी दैट गुयाना एंड ब्रिटिश गुयाना बिफोर इट हैव एडमिनिस्टर्ड सिंस 1899, जिसको गुयाना ने 1899 से अभी तक एडमिनिस्ट्रेट किया है, वहाँ पर उनका भी अधिकार रहा है, अभी तक भी स्टिल उन्हीं के पास में है, बट फिर भी क्या पता नहीं कुछ दिक्कत चल ही रहा है। ओलिवेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला, उसका जो पूरा नाम है वेनेजुएला का वो ये है, इसकी कैपिटल आपके पास में कराकस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एरिया अगर हम लोग देखना चाहें तो ये, ठीक है, 9,16,445 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। पॉपुलेशन की बात करें, 29.7 मिलियन वहाँ का पॉपुलेशन है बेटा, ठीक है। लैंग्वेजेस स्पेनिश बोलते हैं वो लोग, प्लस उनकी रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहाँ पर की अगर हम लोग देखना चाहें कि भाई एक औसतन एक आदमी कितने साल जीता है वहाँ का, तो आदमी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आदमी सारे मतलब ऑलमोस्ट 67 ईयर्स जीते हैं, और औरतें 76 ईयर्स, मतलब उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। और प्रेसिडेंसी की अभी वहाँ के प्रेसिडेंट की हम लोग बात करना चाहें तो निकोलस मदुरो वहाँ के अभी प्रेसिडेंट हैं, ठीक। ये तो था अभी तक का जो हमारा एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू अगर हम लोग देखना चाहें वो वेनेजुएला का। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा गुयाना को लेकर। गुयाना सैंडविच्ड बिटवीन वेनेजुएला एंड सुरीनाम, एज आई सेड, ठीक है, ये एक तरह का सैंडविच बना हुआ है, ठीक है। सैंडविच में क्या होता है, बीच में उसमें वो क्या बोलते हैं उसको, टिक्की, टिक्की होती है, टिक्की की तरह है, ऊपर एक ब्रेड नीचे एक ब्रेड, ठीक है। तो एक तरफ वेनेजुएला हो गया और एक तरफ सुरीनाम हो गया, और इनके बीच में ये बीच में भैया आ गए, ठीक है। तो द फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी ऑफ गुयाना इज द ओनली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ये एक ही कंट्री है जो इंग्लिश स्पीकिंग है, क्यों, उसका भी रीज़न क्या है, ये मैंने कहा ही था आपसे कि हर चीज़ के पीछे ये लोग, हर डिस्प्यूट के पीछे आपको ये लोग मिलेंगे। सिंस इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूके इन 1996, मतलब इंडिपेंडेंस इनका 1966 से है और तभी से ये डिस्प्यूट चल रहा है। गुयाना हैज सीन्स फियर्स पॉलिटिकल राइवलरी बिटवीन टू मैन एथनिकल बेस्ट पार्टीज, वहाँ के जो पार्टीज हैं उनमें, खैर ये तो सिविल वॉर वाला सिचुएशन है। मोस्ट ऑफ द कंट्री इज कवर्ड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड डिस्पाइट हैविंग रिच रिजर्व्स ऑफ बॉक्साइट गोल्ड एंड टिम्बर, इट हैज़ ट्रेडिशनली स्ट्रगल्ड टू ओवरकम पॉवर्टी एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट टू बोल्स्टर इट्स इकॉनमी।
बूस्ट देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। गुयानाज इकोनॉमी हैज़ बीन अंडर गोइंग अ ट्रांसफॉर्मेशन सिंस द डिस्कवरी ऑफ क्रूड ऑयल। उनके यहाँ पर जब से ऑयल के रिजर्व मिले हैं तब से उनकी जो है कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो रही है, चेंज हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं और अच्छे हो रहे हैं। इन 2015 जब से 2015 में ऑयल रिजर्व्स मिले हैं क्रूड ऑयल के, तब से और उनकी जो कंट्री है वो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। एंड कमर्शियली ड्रिलिंग इन 2019, और उसमें जो कमर्शियल ड्रिलिंग थी वो 2019 से स्टार्ट हुई, तब से अब नॉर्मल सी बात है, पैसा आएगा तो चेंज होएगा। अब इंसानों को देख लो ना, इंसानों के पास भी पैसा आता तो बदलाव तो होते ही है। अ सेंचुरी ओल्ड बॉर्डर डिस्प्यूट विद वेनेजुएला हैज़ रिवाइव्ड आफ्टर ए डिस्कवरी ऑफ मेजर ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स, ठीक है। अब दिक्कत क्या हुई कि जब वेनेजुएला था, वेनेजुएला ने ये डिस्प्यूट किया कब से हैं, जब से ये सारे के सारे जो रिजर्व थे वो उनको मिलने लगे, दिखने लगे कि यार इधर पैसा हो सकता है। सेम टू सेम अपना जो नेबरिंग कंट्री है चाइना, वो भी तो सेम टू सेम यही करता है। अब इसका जो पूरा नाम है कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना, ठीक है। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो कैपिटल इनका जॉर्ज टाउन इनका कैपिटल है, ठीक है, गुयाना का। अगर आप कैपिटल ध्यान रखना चाहो भैया तो यूपीएससी इनके प्रोस्पेक्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा मेंशन कर दिया करो, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे थोड़े से, ठीक है। एरिया की अगर हम बात करना चाहें तो 2,14,970 स्क्वायर किलोमीटर की उनका एरिया है। पॉपुलेशन की अगर हम बात करना चाहें तो एक छोटी सी पॉपुलेशन है, उसके कंपेरिजन तो छोटी सी है। लैंग्वेजेस इंग्लिश, गुयानिश, गुयानिश क्रियोल और प्लस अदर्स और एक्स्ट्रा होती है। लाइक इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की हम लोग बात करना चाहते तो वही 67, और यहाँ लेडीज़ का थोड़ा सा कम है, 73 के आसपास का है, ठीक है। तो ये उसका एक छोटा सा ओवरव्यू था। अब हम लोग बात करें आगे वापस से अपने आर्टिकल पे आके, तो इनके बीच में पता लग गया अपने को कि वेनेजुएला के बीच में और साथ के साथ ही कहाँ गए गुयाना, तो इन दोनों के बीच में ये डिस्प्यूट चल रहा है। मूव टू होल्ड रेफरेंडम वेदर इट शुड एक्सरसाइज सॉवरेनिटी और एसक्यूबो। एसक्यूबो वही रिवर है जो पूरा का पूरा एक तरह का रिवर है, और जो रिवर साइड है उस एरिया को जो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं ऑयल रिच एरिया है, ठीक है, उसके ऊपर ये डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया, ठीक है। ऑयल डिस्प्यूटेड रीजन दैट इज नाउ पार्ट ऑफ नेबरिंग गुयाना, ठीक है, गुयाना का पार्ट है वो, हैज कट ओपन ओल्ड वाउंड्स एंड इन्फ्लेम टेंशन बिटवीन द साउथ अमेरिकन नेशंस। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि जब वहाँ से पे ये रिजर्व्स मिले हैं तब से क्या हुआ है कि दोनों के बीच में जो पुराने जो जख्म थे वो हरे हो गए और जो टेंशंस थी वो बढ़ती गई। अब बिटवीन क्यों लगा है यहाँ पर, आपके पास अगर आप देखने हो तो एक प्रेपोजिशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आपके पास में बहुत सिंपल सा फंडा है बिटवीन और अमंग, आप लोग बेटा बढ़ते आ रहे होंगे, बचपन से आप लोग पढ़ रहे हो, दोनों को हम लोग जब बात करने की कोशिश करें, अगर पोजीशन को लेकर बात हो रही है, सुनना ध्यान से, पोजीशन को लेकर बात हो रही है तो जो आपके पास में अगर इनको देखेंगे तो मिड में होती है। अब दिक्कत क्या होती है कि कहाँ यूज कहाँ करेंगे, आपके पास में अगर ओनली टू पर्सन या टू ऑब्जेक्ट्स हो तो हम लोग बात करेंगे कि वहां पर बिटवीन हम लोग यूज करेंगे, और अगर आपके पास में मोर देन टू वाला कंडीशन हो तो हम लोग वहाँ पर इसकी बात करेंगे। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है आपके पास में वो दोनों में मैंने मान ली, लेकिन एट अ सेम टाइम ये होना चाहिए, एट अ सेम टाइम आपके पास में बिटवीन भी हम लोग यूज़ करेंगे और अमंग भी यूज़ करेंगे। बिटवीन आपके पास में केवल दो के बीच में होता है, ठीक है, और अगर वहीं पर बात करने की कोशिश करता हूँ मैं अमंग की, तो अमंग मोर देन टू, अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है कि मोर देन टू कंडीशन में आप हो तो वहाँ पर आप लोग यूज़ करोगे अमंग, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास में ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और आप बैठे हो यहाँ, तो ये वाले जो कंडीशन आपके पास में हुई ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा कि ये अमंग वाला कंडीशन, ठीक है। लेकिन सिचुएशन ये हुई आपके पास में कि आप यहाँ बैठे हो, सॉरी, ये एक स्टूडेंट है, ये एक स्टूडेंट है और आप बैठे हो यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में आप हो तो ये आपके पास में बिटवीन वाला सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा एक फंडा है ये, ज़्यादा परेशान नहीं होना इसमें, ठीक। साउथ अमेरिकन नेशंस अकॉर्डिंग टू वेनेजुएलाज
इलेक्टोरल अथॉरिटीज मोर देन 95% ऑफ द वोटर सपोर्टेड द कंट्रीज क्लेम। और जो हो क्या रहा है वेनेजुएला में कि वेनेजुएला के जो 95% वोटर है वो इस क्लेम को सपोर्ट भी कर रहे हैं। दिक्कत ये है इट इज़ नॉट क्लियर व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो इज गोइंग टू डू नेक्स्ट। जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो, मैंने अभी आपसे बोला था कि वो इस चीज़ को लेके कन्फ्यूजन में है कि करेंगे क्या वो आगे जाके, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। बट द फैक्ट दैट द हेल्ड द रेफरेंडम विद जस्ट मंथ्स लेफ्ट फॉर द नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और दिक्कत क्या हो रही है कि उनको इसके लिए कुछ ना कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगले जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो आने ही वाले हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। सजेस्ट द लेफ्टिस्ट लीडर माइट कीप द बोर्डर टेंशन अलाइव। और ये हो सकता है कि ये अभी तक भी इस इश्यू को कहीं ना कहीं वो सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि एक तरीके से इलेक्शन है, तो इलेक्शन में उनको अब इस डिस्प्यूट को भुनाना ही पड़ेगा। इस डिस्प्यूट के ऊपर उनको अपना बेनिफिट देखना पड़ेगा कि उनको क्या फ़ायदा मिल सकता है इस चीज़ से। ठीक है, पॉलिटिशियंस यही तो करते हैं, हर चीज़ को अपने प्रॉफिट के हिसाब से देखते हैं, कंट्री के प्रॉफिट को लेकर कोई नहीं सोचेगा, सिर्फ खुद का प्रॉफिट देखेंगे वहाँ पर। ठीक है, election suggests the leftist leader might keep the border tensions alive. Venezuela has always retained matlab to maintain preserve claims over Escobar, which it says was stolen when the north south border was drawn by colonial powers. और क्या बोल रहे हैं वो कि उस टाइम पे इनको इस पर्टिकुलर लैंड को चुरा लिया गया था, उसमें मिला दिया गया था ज़बरदस्ती, और सेंचुरी एगो, एक शताब्दी पहले की बात है। इन 1966 वेनेजुएला एंड यूके entered into a temporary Geneva agreement. Geneva agreement की अगर हम बात करना चाहें तो ये 1966 में ही हुआ था, और उस पर उन्होंने कहा था कि दोनों के बीच में एक मीडिएटर होगा और उसको लेके हम लोग एक बात करना चाहेंगे। जेनेवा कन्वेंशन हर जगह आ जाता है, जेनेवा एग्रीमेंट हर जगह आ जाता है, तो उस कंडीशन की अगर हम लोग बात करना चाहें तो उसमें उन्होंने बोला था कि एक मीडिएटर होगा, उस मीडिएटर के थ्रू हम लोग इस डिस्प्यूट को सुलझाने की कोशिश करेंगे। द बॉर्डर, ठीक है, जो बॉर्डर के ऊपर जो डिस्प्यूट चल रहा है उसकी बात हो रही थी। गुआना वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी, उस टाइम पे जो गुआना था वो ब्रिटिश कॉलोनी था। टू मेंटेन द स्टेटस क्यो वाइल सीकिंग टू फाइंड अ प्रैक्टिकल पीसफुल एंड सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन फॉर ऑल, यही उस एग्रीमेंट में कहा गया था, जो सारी की सारी बातें यहाँ पर लिखी है। फाइंड अ प्रैक्टिकल पीसफुल एंड सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन फॉर ऑल, ठीक है। टेंशन ईज्ड व्हेन ह्यूगो चावेज मिस्टर मदुरोज लेफ्टिस्ट प्रिडिस्कशन। अब ये आपके पास में जब हम इस वर्ड की बात कर रहे हैं प्रिडिस्कशन, अब एक तो होता है सक्सेसर, और प्रिडिस्कशन की जब हम लोग बात करना चाहें तो वो होता है उससे पहले कौन था उसकी बात होती है, जो आपके पहले, ये तो यहाँ हो गया, यहाँ पर अगला वाला जो आएगा वो सक्सेसर होगा, और जो उससे पहले रहा होगा वो आपके पास में क्या होगा, प्रेडिसेसर। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं जो पूर्ववर्ती था, पहले जो रहा था, पर्सन हु वाज इन द जॉब और पोजीशन बिफोर द पर्सन हु इज इट नाउ, इन इट नाउ, जो अभी है उससे पहले जो था उसको हम लोग बोलने की अगर कोशिश कर दें तो प्रेडिसेसर, ठीक है। अब अगर हम लोग बोलना चाहें तो उसका जो प्रोनंसिएशन है थोड़ा सा कहीं ना कहीं कन्फ्यूजिंग होता है हमारे लिए भी, ठीक है। सबसे पहले प्रीडेसेसर वापस बोलेंगे, प्रीडेसेसर एक साथ बोलोगे तो थोड़ा सा लगेगा कि बोला क्या जा रहा है, बट आप एक साथ उसको टुकड़ों में बोलोगे तो समझ जाओगे, प्रीडेसेसर, ठीक है बेटा। तो जो फॉर्मर होता है एक तरीके से, काइंड ऑफ फॉर्मर, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीडेसेसर, ठीक है। एंटीसिडेंट फॉरबियर, जो फॉरवर्ड लगता है ये उसी कंडीशन में चला गया, ठीक है। अपोजिट अगर देखना चाहे तो सक्सेसर जो हो गया, डिसेंडेंट हो गया, फॉलोअर हो गया, हेर उत्तराधिकारी हम लोग बोलेंगे, पूर्वाधिकारी जो पहले था और अभी उत्तराधिकारी आगे चलेंगे तो, ठीक है। लेफ्टिस्ट प्रेडिसेसर वॉज द प्रेसिडेंट, बट व्हेन एन ऑयल बूम बिगिन ट्रांसफॉर्मिंग गुआनाज इकोनॉमी, मिस्टर मदुरोज रेजिम स्टार्टेड बिकमिंग मोर वोकल अबाउट द कंट्रीज क्लेम ओवर द रीजन। और साथ के साथ क्या हुआ कि जब गुआना, अभी हम लोगों ने बात किया ना, जब से वहाँ पर जो ऑफिशियल माइनिंग होने लगी है, कमर्शियल माइनिंग जो स्टार्ट हुई है वहाँ पर, तो तब से उनको दिक्कत आने लगी कि यार हमारे पास भी होना चाहिए, हमारे पास भी वो पैसा होना चाहिए था, तो ये क्लेम्स तब से तेज हो चुके हैं, तब से ही बढ़ गया है। गुआना द ओनली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री इन लैटिन अमेरिका मेंटेन्स दैट द 1899 बॉर्डर एग्रीमेंट बिटवीन इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर्स फ्रॉम ब्रिटेन, रशिया एंड US, इन तीनों के बीच में ये बात हुई थी और इसका फाइनल तभी निकला था, इस फाइनल एंड अप्रोच द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन 2018 रिक्वेस्टिंग अ रूलिंग। वेनेजुएला
on the other side has always argued that it was not part of the 1899 agreement. और साथ के साथ वेनेजुएला क्या कहता है कि जब ये सब कुछ हुआ था तब हम तो वहाँ थे ही नहीं, हम तो इसका पार्ट थे ही नहीं, तो आप ये जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप कैसे रहे हो, ये एग्रीमेंट कैसे हो गया, विच इट कॉल्स नल एंड वॉइड. मतलब इस चीज़ को उन्होंने क्या किया, इनवैलिडेट कर दिया है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, उनकी तरफ से ये चीज़ इनवैलिड हो चुकी है. ठीक है, वो उसे इनवैलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं और मना कर रहे हैं, इसको रिफ्यूज कर रहे हैं, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं. ठीक है, इसको रिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, व्हेन गुना मूव्ड टू वर्ल्ड कोर्ट रिक्वेस्टिंग अ बैन ऑन द रेफरेंडम, द कोर्ट रिफ्यूज टू डू सो बट आस्क कारकस नॉट टू टेक एनी एक्शन बेस्ड ऑन द रेफरेंडम अल्टरिंग द स्टेटस क्यो. ठीक है, जो स्टेटस क्यो लगाया गया है तो उसके ऊपर उन्होंने मना कर दिया इस चीज को लेकर. Any action based on the referendum altering the status quo, but Mr. Maduro has already dismissed the world court's jurisdiction. और उन्होंने already ही इसके लिए मना कर दिया. ठीक है, status quo, what is status quo? There's a word, status quo. जरा एक बार समझें इसको. Status quo. आओ बेटा, अब आपके पास में ये देखिए, यहाँ पर स्टेटस क्यू इज अ लेटिन फ्रेज मीनिंग द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स. जो वहाँ पर अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसी को ऑनगोइंग करते हैं, पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, साइंटिफिकली साइंटिफिक और मिलिट्री इश्यूज. तो उसके ऊपर जो चल रहा होता है, जो अभी करंट सिचुएशन चल रहा होता है, बस उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेटस क्यू. मतलब जैसा का तैसा वो पड़ा रहता है वहाँ पर. ठीक है, The current state of things, the status quo is the current state of things. The meaning of this particular phrase, the status quo is the current state of things. ठीक है, इसको इस तरह से बोला जाता है. तो उन्होंने अभी तक इस चीज़ को मानने से मना कर दिया है यहाँ पर, और जो status quo है उसी को maintain कर रहे हैं. He is under growing international pressure to hold free elections. Recently, the US is sanctions on Venezuela as the Maduro government reached a deal with the opposition for next year's election, while Mr. Maduro maintains a tight grip over state institutions. He is also unpopular with sections who are increasingly frustrated with the state of the economy, particularly shortage of essentials. ठीक है, एंड हाइपर इन्फ्लेशन. वहाँ पर महंगाई इतनी बढ़ गई है, जैसा मैं आपसे स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि महंगाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. तो ये चीज़ें आम बात है, और वहाँ पर जो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी कमी होती जा रही है, वो शॉर्ट होते जा रहे हैं, वो शॉर्ट हो रहे हैं बेटा. इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पर उसकी कमी होती जा रही है. ठीक है, वाइल अ बॉर्डर क्राइसिस कुड बी अ वेलकम डिस्ट्रक्शन. और क्या कह रहे हैं कि उन जनता का जो वहाँ की जो पब्लिक है उसका ध्यान हटाने के लिए ये जो डिस्प्यूट है एक बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे वो उन लोगों का ध्यान उस चीज़ से हटा सकते हैं. तो निकोलस मदुरो नहीं, उनको नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी करेंगे. जो स्टार्टिंग का जो टाइटल था, नीडलेस डाइवर्जन, मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है वो कर रहे हैं. वो उनका इस चीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं कि भाई हमारे पास में रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है. वो उन सबको हटा के कहाँ पर उस पर्टिकुलर बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर सारी की सारी बात डालना चाह रहे हैं, और चाह रहे हैं कि वापस से इस चीज़ को यूज़ करके, इस चीज़ को यूटिलाइज करके वापस से मैं प्रेसिडेंट बन जाऊँ और वापस से मेरा जो अगला जो पीरियड है वो शुरू हो जाए. ठीक है, वाले बॉर्डर क्राइसिस कुड बी ए वेलकम डिस्ट्रैक्शन. और इसकी वजह से सब वापस उनका ध्यान बढ़ जाएगा. फॉर हिम डोमेस्टिक वॉइस, वॉइस मतलब जो होते हैं जो उसके ऑपोजिट में होते हैं, हम लोग कह सकते हैं शत्रु. ठीक है, वॉइस एनिमी. एज इलेक्शंस आर अप्रोचिंग इट डज नॉट ऑफर एनी सॉल्यूशन टू द मैरिड. मैरिड मतलब इनफाइनाइट. इनफाइनाइट मतलब जो चीज़ असंख्य होती है, जिसको गिना ही नहीं जा सकता है. कोई चीज़ ऐसी होती है जैसे इनको गिन सकते हैं, उन कीड़े मकोड़ों को नहीं गिन सकते. असंख्य है, अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ समथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड. जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, इसको गिना नहीं जा सकता, उसको बेटा हम लोग बोलते हैं मैरिट. मल्टीट्यूड काउंटलेस, इनमरेबल, न्यूमरस, अबंडेंट, इनफाइनाइट. एज आई सेड, मैंने जो लिखा था अभी, इनफाइनाइट आपके पास में, इमेजरेबल. ठीक है, इम आया ना, इम लगते ही ऑपोजिट, इन लगते ही कॉपियस. ठीक है, प्रोफ्यूस, लेजिन, वास्ट, वास्ट नंबर होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है.
इफ एनीथिंग अ बॉर्डर कन्फ्लिक्ट वुड मेक द सिचुएशन वर्स, अगर ऐसा कुछ होता है तो नॉर्मल सी बात है इससे क्या होगा, अब जो बॉर्डर सिचुएशन है वो थोड़ी सी और ख़राब होती जाएगी। मिस्टर मदुरो शुड रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग एनी यूनिलैटरल एक्शंस, यूनिलैटरल मतलब अगर यहां पर होता बाइलेटरल तो बाई लगते ही दो हो जाता ना, ठीक है। अभी लिखा है उन्होंने यूनि, यूनि मतलब एक, एक की बात हो रहा है, ठीक है। मिस्टर मदुरो शुड रिफ्रेन, देयर इज अ वर्ड रिफ्रेन, बेटा बता सकते हो रिफ्रेन का मीनिंग क्या होगा? ठीक है, रिफ्रेन को क्या करना चाहिए, रोक देना चाहिए, उसको वहीं पर स्टॉप कर देना चाहिए। टू स्टॉप योर सेल्फ डूइंग ऑफ समथिंग, डूइंग समथिंग, अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसको रोक दो, होल्ड इट, ठीक है। टू नॉट डू समथिंग, कोई काम नहीं करना, उस काम को आपने एब्सटेन कर दिया है। ओ, कुछ बोल रहा था, रोक दिया, ठीक है। कैसे निकल गया मुंह से? रेजिस्ट किया है, रेजिस्ट किया है, फॉरबियर किया है, होल्ड बैक किया है, अवॉइड किया है, रेस्ट्रेन किया है, रिनाउंस किया है, ठीक है, विदहोल्ड किया है, सीज किया है, चेकअप किया है, या फिर कीप फ्रॉम, होल्ड ऑन, होल्ड होल्ड, ऑपोजिट अलाउ कर दिया, कंटिन्यू किया, प्रिजर्व किया, प्रसिस्ट किया है, प्रोसीड किया, उसमें एंगेज हो गए, पार्टिसिपेट हो गए, तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास ऑपोजिट में हो जाएगा। तो चलिए वापस कहाँ गए थे, यहाँ पे। तो मिस्टर मदुरो शुड रिफ्रेन, उसको क्या करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, रोक देना चाहिए, उनको रुक जाना चाहिए। टेकिंग एनी यूनिलैटरल, खुद से सिंगल, खुद से कोई एक्शन लेना है तो वो प्लीज नहीं ले, उनको कोई भी अगर एक्शन लेना है तो वो बायलैटरल एक्शन होना चाहिए, दोनों गुआना और वेनेजुएला दोनों को मिलकर लेने चाहिए। अगर अकेला अकेला वेनेजुएला खुद से कोई एक्शन लेता है तो यूनिलैटरल एक्शन कहलाएगा वो, ठीक है। एंड कंटिन्यू ट्राई एंड रिजोल्व द टेरिटोरियल इशू विद गुआना थ्रू टॉक्स इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ द जिनेवा एग्रीमेंट, जो जिनेवा एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनको चलना चाहिए था, ठीक है। तो आई होप आज का जो आर्टिकल था आपको समझ में आया होगा, और मैंने कोशिश करी कि इसको जितना सिंप्लीफाइड वे में आपके पास में लेके आ सकता था मैंने इसको किया। फिर भी अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट है तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो बातें लिख दें कि सर इसमें ये इम्प्रूव अपन कर सकते थे, और अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप फॉर द वीडियो। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, खाओ पियो, नहाओ, मस्ती से पीते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है।